नीतीश कुमार जी से अब बिहार चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए। नीतीश कुमार जी के प्रति मेरा सम्मान है, वो आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। हम लोगों ने भविष्य को सुनहरा करने का काम किया है, 5 लाख नौकरी दे करके, लेकिन भाजपा वाले लोग तलवार बांटने का काम करते हैं। लेकिन हम कहते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन भी हो गया है। माई भी मेरी जनता है, बाप भी मेरा जनता है, गुरु भी मेरा जनता है, ताकत भी मेरा जनता है, भरोसा भी मेरा जनता है। सवाल होता है, समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है, व्यवहार में, आचरण में, और समय के साथ साथ परिवर्तन इसलिए जरूरी है। पहले बताओ, एसटीडी बूथ होता था कि नहीं होता था? एसटीडी बूथ खत्म कैसे हो गया? जब मोबाइल फोन आ गया। और जब मोबाइल फोन आ गया तो पहले रिचार्ज कराने दुकान जाना पड़ता था मोबाइल, अब ऑनलाइन रिचार्ज हो जाता है। आजकल तो गाड़ी भी ओला उबर बुक कर लेते हो ऑनलाइन। तो समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है। पुराना जमाना गया, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हमने आगाज किया है बिहार को 5 अव्वल राज्यों में लाना है, इसका आगाज हम लोगों ने कर दिया है। और साथ ही साथ आप लोगों की तरक्की हो, विकास हो, बिहार में निवेश आए, इसकी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। हम लोग नौजवान नए सोच के, नए विजन के साथ आप लोग के सामने हम लोग आए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए। नीतीश कुमार जी के प्रति मेरा सम्मान है, वो आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। आपको उनके बारे में बात नहीं करना, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी से अब बिहार चलने वाला नहीं है। तो इसलिए नया बिहार बनाने के लिए आप सब लोगों का योगदान चाहिए, और हम आप लोगों के बीच आए हैं। लोग कहता है कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है, हम कहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। P A P, पी से बहुजन, ए से अगड़ा, और दूसरा ए से आधी आबादी महिलाओं की, और पी से हो गया पुअर यानी गरीब, यानी A to Z की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। और महागठबंधन हम लोग है, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे, चाहे कोई वर्ग के लोग हो, सबके प्रति हम लोग जो है सम्मान देने का काम करेंगे। और बेहद खुशी हो रही है जिस प्रकार से इतनी तादाद में महिला आई है। ये यहाँ सारिका अंसारी जी बैठी है, इनके नेतृत्व में काफी लोग जो है महिलाओं आई है। हम इनको भी सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। मिलजुल करके हम सब लोगों को रहना है, एक रहना है। हम लोगों ने कलम बांटने का काम किया है, हम लोगों ने भविष्य को सुनहरा करने का काम किया है, 5 लाख नौकरी दे करके, लेकिन भाजपा वाले लोग तलवार बांटने का काम करते हैं, जहर बोने का काम करते हैं। आज पूरे देश में बड़ा से बड़ा नेता मोदी जी के आगे नाक डगर रहा है, झुक गया है। लेकिन लालू जी को कितना भी सताया गया हो, तेजस्वी पर कितना भी मुकदमा किया गया हो, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। अच्छे अच्छे लोग देखिएगा भाजपा ज्वाइन कर रहा है, अरे भाजपा ज्वाइन कर रहा है। पहले तो भाजपा को हम कहते थे वॉशिंग मशीन, कितना दागी से भी दागी लोग चला जाएगा, भाजपा जो है
दाग छुड़ा देगा, है ना। लेकिन हम कहते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन भी हो गया है। जितना पार्टी का कूड़ा है, जितना पार्टी में कूड़ा है, सब कूड़ा को ले रहा है। अरे हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं, हम लोग विचारधारा वाले लोग हैं, और जब बिहार की जनता लालू जी के साथ खड़ी है, आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों को मिलजुल करके रहना है। सब लोग इस देश की आजादी में कुर्बानी दिया है, हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं। सबका मान है, सबका सम्मान है। हम लोग मंदिर भी जाते हैं, हम लोग मस्जिद भी जाते हैं, हम लोग गुरुद्वारा भी जाते हैं, हम लोग गिरिजाघर भी जाते हैं, हम लोग मत्था टेकते हैं, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। अरे हम लोग, हमारे घर में ही मंदिर है, और हम तो ऐसे विचार वाले आदमी हैं जो मन में ही हम समझते हैं कि हमारे मन में भगवान ही बसते हैं, हमारे भीतर भगवान बसते हैं। सच्चा हो, ईमानदारी से अपना काम करेगा, तो भगवान उसका साथ देगा। कितना पाप कर लीजिए, गंगा जी में नहा लीजिए, और कितना मंदिर जाके घंटी बजा लीजिएगा, और जनता का हित करते रहिएगा, तो भगवान भी माफ करने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों के बीच आए हैं। माई भी मेरी जनता है, बाप भी मेरा जनता है, गुरु भी मेरा जनता है, ताकत भी मेरा जनता है, भरोसा भी मेरा जनता है। इसी विश्वास के साथ आज हम लोग आए हैं, आपका जन विश्वास हासिल कर दे, तो आप लोगों का विश्वास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 3 तारीख को भाइयों, 3 तारीख को पटना चलना है। हम निमंत्रण देते हैं आप सभी लोगों को, पटना चलिएगा कि नहीं चलिएगा। 3 तारीख को आतवार है, 3 मार्च को आप लोग सब लोग पटना आइए। एक बार वहां भी हुमच देना है, और एक बार पटना चलिएगा तो इन लोग का पटन जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन आप सब लोग ईमानदारी से अनुशासित होते हुए, सभी लोग झंडा को उठाते हुए सब लोग पटना आइए। हम सब लोग आप लोगों का स्वागत करेंगे। और आदरणीय लालू जी, राष्ट्रीय दल जी, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर ने सलाह दिया है कि ज्यादा घूमना नहीं है, वो भी आपको आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे संवाद करना चाहते हैं। तो पटना आप लोग, सिवान की जनता भारी संख्या में, आप सब लोग पहुंचने का वहां काम कीजिए। और हम माले के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, सीपीआई सीपीएम सभी पार्टी के अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं, और सब लोगों को